माय लवली व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़ुज़ से होंगे। हजरात, आज के ज़माने में इटली के बारे में कौन नहीं जानता। इटली जो वेल डेवलप्ड कंट्री है और यूरोप का एक ताकतवर कंट्री है, मगर क्या आप जानते हैं इतने बड़े वेल डेवलप्ड कंट्री किसी ज़माने में छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। यहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन इटली में कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने इटली को यूनाइटेड करने में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इन्हीं ग्रेटेस्ट इंसानों में से एक इंसान गायुसेप्पे गैरिबाल्डी थे। आज के इस वीडियो में हम लोग गैरिबाल्डी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग इनके मुतल्लिक बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। तो चलिए हजरात, बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जियोसेप्पे गैरिबाल्डी की पैदाइश 1807 ईस्वी में इटली के एक छोटे से इलाके नीसी में हुई थी। ये हिस्ट्री के बहुत ही ग्रेटेस्ट इंसान जोसेफ मेजिनी के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ ये जोसेफ मेजिनी के यंग इटली के मेंबर भी थे। इसके अलावा इन्होंने अपने मुल्क को यूनाइटेड करने के लिए अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के खातिर निछावर कर दी थी। गैरिबाल्डी ने 1834 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जेनवा में मुल्क को यूनाइटेड करने के खातिर रिवॉल्ट कर दी। इनकी इस हरकत की वजह से हुकूमत ने इन्हें मौत की सज़ा सुनाई। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर अमेरिका भाग गए। अमेरिका पहुंचकर गैरिबाल्डी ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके बाद इन्होंने 1848 ईस्वी में इस ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 सिपाही के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया और पोप के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मगर गैरिबाल्डी को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग के कुछ साल के बाद मई 1860 ईस्वी में वो सिसली के सिटी में दाखिल हुए और इस शहर को जंग के जरिया इटली में शामिल कर दिया। गैरिबाल्डी की कोशिशों का ही नतीजा था कि रोम, इटली और वीनस के बहुत सारे इलाके यूनाइटेड हो चुके थे। मगर इटली के ये ग्रेटेस्ट हीरो 1882 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गया और अपने असल खालिक से जा मिले। गैरिबाल्डी का नाम ना सिर्फ इटली की हिस्ट्री में बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। इनकी ज़िंदगी से हम इंसानों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ज़िंदगी की जैसी भी हालात हो उसमें खुश रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की मैं अपने सेक्शन को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।